कोरोना पर पीएम मोदी की राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ बैठक की, कोरोना से निपटने पर चर्चा, बैठक में उपराष्ट्रपति भी शामिल। यूपी में कोविड संक्रमण को देखते हुए सीएम योगी का एक्शन, अहमदाबाद से रेमडेसिविर इंजेक्शन की 25,000 डोज मंगवाई गई। यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर योगी सरकार चिंतित, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा छात्र हित को देखते हुए लिया जाएगा फैसला, 1 जून की बैठक में होगा मंथन। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सीबीएसई 10वीं की परीक्षाएं रद्द की गई, 12वीं की परीक्षाएं टाली गई, परीक्षा को लेकर जून में फिर से होगी बैठक। सीएम योगी और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी, आइसोलेशन में हैं सीएम और अखिलेश। उत्तर प्रदेश में जल्द ही 250 अस्पतालों को कोविड अस्पताल में तब्दील किया जाएगा, सरकारी और प्राइवेट दोनों ही तरह के अस्पताल होंगे शामिल। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार का फैसला, एमबीबीएस के चौथे और पांचवें वर्ष के छात्रों की भी लगेगी कोविड में ड्यूटी। फर्रुखाबाद में मतदान कराने के लिए प्रशिक्षण पर निकले कर्मी कोविड पॉजिटिव, अधिकारियों ने अध्यापक को आइसोलेशन में भेजा। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए नई व्यवस्था लागू, दर्शन के लिए नेगेटिव कोविड रिपोर्ट लाना अनिवार्य। कई शहरों में लॉकडाउन के बीच मध्य रेलवे ने यात्रियों से पैनिक नहीं होने की अपील की, रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की बात कही। हरिद्वार महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान संपन्न, श्रद्धालु और साधु संतों ने व्यवस्थाओं को लेकर मेला प्रशासन को दी बधाई, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शिरकत की। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में एक और याचिका दाखिल, याचिका में केशव देव मंदिर के पत्थरों को जामा मस्जिद और आगरा फोर्ट में लगाने का दावा किया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, कुलगाम में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी गिरफ्तार, आतंकियों के 3 मददगार भी पकड़े गए। अंबेडकर जयंती पर उत्तराखंड सीएम तीरथ सिंह रावत का ऐलान, प्रदेश में मलिन बस्तियों को किया जाएगा नियमित, सी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश संगठन में जल्द होगा बदलाव, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान, बंगाल चुनाव के बाद विचार विमर्श से बदलाव होगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर मायावती ने कहा बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर बीएसपी, केंद्र के टीका उत्सव का किया स्वागत। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सीएम योगी ने वर्चुअली किया संबोधित, कहा बाबा साहेब के सपनों को कर रहे हैं साकार, बिना भेदभाव के काम कर रही है यूपी सरकार। चित्रकूट से सांसद आरके सिंह पटेल ने बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा बाबा साहेब के बनाए संविधान से देश में सबको बराबर का हक मिला। संभल में निर्माणाधीन दीवार की गिरने से 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई, मौके पर घटनास्थल का एसडीएम ने जायजा लिया। ललितपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने टैक्सी को मारी टक्कर, हादसे में टैक्सी बेकाबू होकर पलटी, मौके पर ग्रामीणों ने टैक्सी में फंसे लोगों को बाहर निकाला। बलरामपुर में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू, 9 विकासखंडों में नामांकन की हुई है व्यवस्था। रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने पंचायत चुनाव के एक उम्मीदवार को किया गिरफ्तार, प्रत्याशी पर वोटरों में बर्तन बंटवाने का आरोप। गुंडा में 19 अप्रैल को होने वाले पंचायत चुनाव में पहली बार वोट देंगे 766 मतदाता, 2021 में वन टांगिया को दिया गया है ग्राम पंचायत का दर्जा। झांसी में बघेरा सीट से पंचायत चुनाव लड़ रही प्रत्याशी ने 3 बीएसपी नेताओं के खिलाफ दर्ज कराया केस, गाली गलौज और धमकी देने का आरोप। पंचायत चुनाव को लेकर अमेठी में प्रशासन सक्रिय हुआ, छापेमारी में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद।
औरैया में पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए एक्टिव मोड में प्रशासन, 168 अपराधी जिला बदर, एक राजक तत्व पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई। आगरा में पंचायत चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए बांटी जा रही साड़ियों का जखीरा पुलिस ने बरामद किया, जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में अचानक आग लगी, घटना से दुकानदारों में हड़कंप, लाखों का सामान जलकर खाक। सहारनपुर जनपद के थाना सदर बाजार क्षेत्र में एमबीबीएस की छात्रा ने आग लगाकर आत्महत्या की, पति से तलाक के बाद डिप्रेशन में थी छात्रा। लखीमपुर के धौराहरा क्षेत्र के बीजेपी विधायक बाला प्रसाद अवस्थी के रसूख का वीडियो वायरल हुआ, अस्पताल में इलाज कराने के दौरान कोरोना जांच करने पहुंची टीम को लौटाया। मुरादाबाद कोतवाली के रैम्बत नगर कॉलोनी में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। लखनऊ के अटल चौक चौराहे पर नाइट कर्फ्यू के दौरान कार सवार युवक ट्रैफिक पुलिस वालों से उलझा, रॉन्ग साइड से कार ड्राइव कर रहा था आरोपी। लखनऊ में चलते ट्रक में अचानक आग लगी, चालक और परिचालक ने कूदकर बचाई जान, देखते ही देखते आग का गोला बना ट्रक। गौतम बुद्ध नगर में बिसरख थाना क्षेत्र के रोजा जलालपुर में शराब के नशे में हत्या करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, मृतक की पत्नी से आरोपी के फोन पर बात करने को लेकर हुआ था विवाद। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अयोध्या में 68वें कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया, 28 राज्यों की 32 टीमें ले रही हैं हिस्सा। मथुरा में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाया जा रहा है अग्नि सुरक्षा सप्ताह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने अग्निशमन विभाग के वाहनों को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने वाइस चांसलर्स के राष्ट्रीय सेमिनार को किया संबोधित, कहा बाबा साहेब अम्बेडकर के कदमों पर चल रहा है देश। कुछ बिहार हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों से ममता बनर्जी की मुलाकात, कहा इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, बीजेपी का आरोप मंच पर जबरन लाया गया पीड़ित परिवार। 1 जून से मिलेगी सिर्फ हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, 34,000 से ज्यादा ज्वेलर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही सस्ता हुआ सोना, 42,500 के नीचे आया 22 कैरेट का गोल्ड का भाव। सेंट्रल बैंक ने शुरू की अनूठी योजना, कोविड-19 वैक्सीन लगवाएं, एफडी पर ज्यादा ब्याज पाएं। गलत प्रोडक्ट में निवेश पर सेवी ने दिखाई सकती, यस बैंक पर लगा 25 करोड़ का जुर्माना। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में बड़ा उछाल, बिटकॉइन $62,000 के रिकॉर्ड स्तर को पार किया। रूस में भीषण गर्मी की आहट, राजधानी मॉस्को में अप्रैल में ही 21 डिग्री तक पहुंचा तापमान।